नमस्कार, मैं सुहानी, ग्लोब न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झारखंड में कोरोना वायरस से अब तक का सबसे ज्यादा 29 लोगों की जान चले गई। इसमें राजधानी रांची और जमशेदपुर से 6-6, हजारीबाग 4, रामगढ़ सिमडेगा 3-3, बोकारो 2, धनबाद गोना जामताड़ा खुटी और पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं राज्य भर से 2844 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक राजधानी रांची 1049 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। नए मिले संक्रमितों के बाद राज्य का आंकड़ा बढ़कर 14,04,594 हो चुका है। इनमें से 12,06,178 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं झारखंड में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 71,916 लोगों को पहला डोज और 6,636 लोगों को दूसरा डोज मिला। चाहे कितना भी बड़ा निजी अस्पताल होगा, और यदि इस दुख में, इस तकलीफ में जब लोग लाचार बेबस हैं, और यदि इस समय उन्होंने कोई कोताही की, तो हम बड़े से बड़े कार्रवाई करने से नहीं चुकेंगे। हम लोग पूरी तरीके से हम ऐसा नहीं करेंगे कि अचानक रात 8 बजे आके घोषणा कर दिया या अचानक घोषणा कर दिया। हम लोग जरूर कर रहे हैं, और उसी का ये क्रम है कि हमने रात 8 बजे जो है सभी प्रतिष्ठानों को और जो अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ कर रहे हैं उन लोगों को रोकने का काम किया, और जुलूस वगैरह इस सब पर भी अंकुश लगाया। कोविड 19 संक्रमण काल में रांची जिला के निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी आपको एक ही क्लिक में मिल जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा कोविड 19 लाइव डैशबोर्ड की लॉन्चिंग की गई। उपायुक्त रांची छवि रंजन ने कोविड 19 लाइव डैशबोर्ड की ऑनलाइन शुभारंभ किया। रांची जिला के ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.nic.in पर जाकर लाइव डैशबोर्ड की जानकारी ले सकते हैं। कोविड में कितने केसेस लाइव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, क्या रिकवरी रेट है हमारा, इसके अलावा किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, इसको भी हम लोग समय समय पर अंतराल पर जैसे जैसे हमारे पास सूचना उपलब्ध रहेगी उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और ये ओपन है सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी देख सकता है कितने बेड्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे जिले में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, अभी तक कहाँ पर वैक्सीनेशन होना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डेली बेसिस पे आपको जो है इस वेबसाइट के माध्यम से मिलते रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे साइमन मरांडी की बीती देर रात कोलकाता में इलाज के दौरान मौत हो गई। 73 वर्षीय साइमन मरांडी की तबीयत बिगड़ने पर 14 मार्च को कोलकाता स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे और उनकी पार्टी में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इसका सिद्धांत पर चलने के, हम लोग राह पर चलने के लिए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर शहर के युवाओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उधर जयंती मनाने पहुंचे अंबेडकर समिति के लोगों पर SDO ने FIR करने का आदेश दिया। हालांकि जिस जगह पर जयंती मनाया जा रहा था उससे महज 20 मीटर की दूरी पर SDO मौजूद थे। भीड़ को देखते हुए SDO ने पुलिस बुलाकर सभी को खदेड़ भगाया। मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोविड का गाइडलाइन जो सरकार का है उसको भी हम लोग मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कुछ लोग पहले से भी थे, हम लोग के भी लोग आए तो थोड़ा भीड़ वाला हो गया, लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोविड के गाइडलाइन को मानते हुए। SDO साहब वही समझा रहे थे कि कोविड का गाइडलाइन है, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी को पालन करना है, तो हम लोग उसको पालन करते हुए आज बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। तो अब SDO साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है, वो FIR करे जो करे, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले और बाबा साहब का जयंती को मनाने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई। इस मौके पर साक्षी पुराना कोर्ट समीप अंबेडकर चौक में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। गरम जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज भव्य रूप से माला अर्पण किया गया है, और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर द्वारा किया गया। इसमें सभी
कार्यकर्ता उमंग के साथ में इस कार्यक्रम में भाग लिया। जमशेदपुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुड़ाबांधा के हार्डकोर नक्सली कानो मुंडा की रिश्तेदार रविता मुंडा शहर के दर दर की ठोकर खा रही है। रविता मुंडा आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेल्डी बस्ती के एक किराए के मकान में रहती है और अमेजॉन कंपनी में हाउसकीपिंग का काम कर रही थी, लेकिन अचानक पिछले दिनों रविता को दलित, हरिजन और आदिवासी कहकर कंपनी प्रबंधन ने काम से निकाल दिया। रविता फरियाद लेकर आदित्यपुर थाना पहुंची। मनोज तो हमको बार बार धमकी देता है, बोलता है जाओ तुमको कहीं जाना, कहाँ जाना है जाओ, तुम थाना जाओगी तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं सुनेगा, मेरा कोई नहीं बिछड़ेगा कि तुम छोटा जाते हो, तुम एसटी हो, तुम तुम्हारे हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा, तुम्हारे हाथ से कोई चाय नहीं पिएगा, और तुमको बोल तुम मेरे को पटक के मारने को बोलता है तुम दाहिन हो। हम मालिक के पास शिकायत किए थे, प्रशांत सार जी के पास शिकायत किए थे कि ऐसा ऐसा, तो प्रशांत सार बोला कि तुमसे मजाक करता है, और हम अंकिता मैडम को भी बोले हैं, अंकिता मैडम बोली कि ठीक है हम बात करेंगे, और मेरा बात कोई माना नहीं, मेरा शिकायत कर दिया है वो लोग और मेरे को निकाल दिया। कैप्सूल्स फार्मा योर हेल्थ पार्टनर, यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1, नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए एट 7004615405। गैलेक्सी कैटरर्स, पार्टीज बिगिन विद अस। वी सर्व इवेंट्स लाइक वेडिंग पार्टीज, एनिवर्सरी पार्टीज, एंगेजमेंट पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, business launchers and more. Our address, The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number, 8210412836. दिनांक 14 अप्रैल 2021 को उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में निजी लैब संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर, उप समाहर्त स्थापना रांची, विभिन्न निजी लैब के संचालक, प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित। प्राइवेट लैब में से कई लोगों के और यदि सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों की समस्याओं से हम लोग अवगत भी हुए। इनके पास भी मैन पावर भी जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, जिस कारण से ये लोग भी सही टाइम पर टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। परंतु कुछ लैब ऐसे भी हैं जो कि इनके पास कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो जो है उतने जो
पर्याप्त मात्रा में इनको ऑप्टिमम लेवल पे इनको उनको कलेक्ट करना चाहिए, सैंपल उतना कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन सभी लैबों को निर्देशित किया गया है कि आप लोग जितना आपकी कैपेसिटी है उतने पूरी सैंपल कलेक्ट करें और डेली बेसिस पर रिपोर्ट करें। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती के मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उन्हें याद करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात किए जाने की बात कहते हुए सरकार को भी आड़े में लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ दलित समाज के लिए उनके जो दबे कुचले समाज की चिंता की और उन्हीं के कारण दबे कुचले समाज को भारत के संविधान में आरक्षण देने का प्रावधान किया, उन्हीं के कारण हुआ। और आज का जो महामारी संकट है 2020 से भी बहुत अधिक है। ऐसे समय में सरकार को अग्रिम प्लानिंग बनाकर आने वाली इस चुनौती का सामना करना चाहिए। उन्होंने मिलाकर बल्कि पूरी मुख्यमंत्री से पूरी कैबिनेट आज एक कोरोना के मधुपुर उपचुनाव में लोग बैठे मधुपुर के चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लेकिन राज्य के 3.25 करोड़ स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। मंत्री जी के समक्ष एक बेटी अपने बाप को लेकर आया, डॉक्टर चिल्ला रहा लेकिन कोई और उसकी आवाज़ को सुन रहा है, इस तरह हम सब लोग भी सुन रहे हैं। इसी तरह का कमोवेश जमशेदपुर हो या राज्य गिरी जगह में जो समाचार पत्र में समाचार आ रहा है, उससे लगता है ये सरकार कोरोना महामारी 16 महीने में तो निष्क्रिय रही है। इस 16 महीने की सरकार आम जनता के स्वास्थ्य जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन लगातार कोविड अस्पताल एवं क्वारंटीन सेंटर बनाने में जुटी है। जिले के उपायुक्त लगातार निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी की जा रही है। यहाँ कोविड के जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एक हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मेडिका थी जो फिलहाल बंद पड़ी हुई थी उसको हम लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं। कमांड विजिट है, TMH के डॉक्टर्स, माहे के डॉक्टर्स, MGM के डॉक्टर्स, सिविल सर्जन की, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी कोविड ट्रीटमेंट बेड के रूप में कन्वर्ट करते हुए कोविड हॉस्पिटल के रूप में रख सकते हैं। जमशेदपुर महानगर भाजपा ने जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से भाजपाइयों ने TMC नेत्री सुजाता मंडल खान द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग पर दिए गए विवादित बयान के आलोक में कार्रवाई किए जाने की मांग की। राष्ट्रपति महोदय को एक मांग पत्र सौंप रहे हैं कि जो सुजाता मंडल खान ने वहां बयान दिया है SC समाज के खिलाफ में उसकी जाँच हो और जाँच करके उनको दंडित किया जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। किसी भी समाज को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये सभ्य राजनीति के लिए, अच्छी राजनीति के लिए बहुत गलत है। आज परसोटी विद्यासागर पल्ली अंचल में बंगबंधु द्वारा दूसरा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया जिसमें करीब 300 लोगों को वैक्सीन दिया गया। अंचल के महिलाएं एवं बुजुर्ग काफी संख्या में उपस्थित रहे। बंगबंधु के सभी सदस्य इस कैंप को सुचारू रूप से संचालित करते हुए संपूर्ण किए। इस अवसर पर संस्था के अर्पणा गुहा एवं मानिक मलिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज जब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलन संघ क्लब के प्रांगण में सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा मुहिम जो कोरोना महामारी बीमारी को जंग में इस हमारे इस क्षेत्र के क्लब के तमाम सदस्यगण एवं बंगबंधु संस्था के तमाम सदस्यगण संयुक्त रूप से मिलकर टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीकाकरण का लाभ उठाएँ और इस बीमारी से जंग से हम लोग को जीतना। आज हमारे दूसरे बैच का कैंप का आयोजन हमने विद्यासागर पल्ली नेताजी मिलन संघ में लगाए हैं और काफ़ी यहाँ पर महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग कैंप लगाने का उद्देश्य है लोग जागरूक नहीं है, बहुत लोगों का अभी भी डर है कि कोरोना वैक्सीन लेने से शायद फीवर हो जाएगा, शायद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये जो लोगों का जो भावनाएं हैं ये भावनाओं को दूर करना है। दूसरी बात है कि हम लोग 12 तारीख को जो लगाए थे कैंप उसमें करीब हमारे सर्वे में निकला है करीब
600 लोगों का वैक्सीनेशन लेने का था, पर हम लोग उस दिन 270 लोगों को लिए हैं। और आज भी कुछ ऐसे जिन लोगों को उस दिन नहीं मिला, या हमारे विद्यासागर पल्ली में जिस तरीक़ा से लोगों का भागीदारी बहुत ज़्यादा हो गया है, हमको लगता है आज यहाँ पर भी हमारे 300 से ज़्यादा ही हमारे लोगों को वैक्सीनेशन का हम लोगों का देने का संकल्प लिया है। दूसरी बात है कि हमारे वैक्सीनेशन जो जगह जगह पे हम लोग कैंप का भी आयोजन किए हैं, और हम लोग ये जागरूकता हम लोग चला रहे हैं काफ़ी दिनों से, और अभी भी लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि इसके बाद में जो कैंप लगाएंगे उससे और इससे भी ज़्यादा लोगों भागीदारी लें। और यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि हमारी महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। दीदी बोलना चाहिए लेकिन बहन बोल रहे हैं, ऐसे नेता खाली नहीं है, ऐसे प्रतिनिधि पूरा गांव गांव शहर शहर जो घर टू घर काम कर रही है, हम उनको सही में सही दिल से अपना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और आगे चल के ऐसे काम करते रहे जो हमारे देश के लिए नहीं, हमारे गांव से लेके शुरू करके ऐसे प्रतिनिधि हम फ्यूचर में मांग रहे हैं। हम चाह रहे कि ऐसे प्रतिनिधि बने हमारा गांव का, परसूरी एरिया का नहीं खाली, शहर से लेकर ऐसे प्रतिनिधि बने जो सही में दिल से अपने हर काम के लिए, खाली ये वैक्सीनेशन नहीं है, अरे पहली बार गांव में घर तक घुस के इसे सर्वे किया जा रहा है, हम उनके लिए शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम चाहेंगे, बस्तीवासी चाहेंगे कि वो ऐसे नेता, ऐसे प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि बने जो सही में आगे चल के हमारे एरिया का प्रतिनिधित्व करें। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने राज्य से तुरंत मेडिकल इमरजेंसी लागू कराने की मांग राज्य सरकार से की। उनका कहना है कि राज्य सरकार केवल अखबार के माध्यम से अपनी झूठी उपलब्धियां गिनाने का काम कर रही है, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। स्वास्थ्य व्यवस्था इस कोरोना काल में बिल्कुल चरमरा सी गई है। ये एडवर्टाइजमेंट झारखंड सरकार का निकला है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। 8 ऐसे काम जो पहली बार झारखंड में हुए हैं, इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि जब पूरे राज्य की, पूरे देश की और पूरे विश्व की प्राथमिकता स्वास्थ्य है, COVID-19 से लड़ाई है, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ ये जो 8 उपलब्धियां बोली गई हैं, इसमें एक भी उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। इसका मतलब राज्य सरकार भी ये स्वीकार करती है कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई काम पिछले दिनों नहीं हुआ जिसे वो लोगों के सामने रख सके। यही बताता है कि इनकी प्राथमिकता क्या है। इस आपने देखा होगा जब कोरोना की लड़ाई चल रही थी 2020 में जब शुरू हुई थी, तो एक COVID-19 की हेल्पलाइन शुरू की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार के इनके मंत्री ट्विटर पर खूब एक्टिव रहते हैं और कहते हैं कि ट्विटर के माध्यम से राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान होता है, झारखंड में इतनी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आई है। ये शर्मनाक है कि झारखंड राज्य सरकार की COVID-19 की हेल्पलाइन की जो आधिकारिक हैंडल है ट्विटर का, वो आखिरी बार अपडेट हुआ था जुलाई के महीने में पिछले साल। इसके बाद से जो लगातार आज संख्या बढ़ रही है, ये हैंडल कहीं नहीं है। जिस तरह से व्यवस्था कहीं नहीं है, उसी तरह से ट्विटर से संबंधित सूचना, ट्विटर से संबंधित जानकारी, लोगों को मदद के लिए जिस हैंडल को बनाया गया था, वो हैंडल तक राज्य सरकार ने अभी तक, वो एक्टिव नहीं है, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। उसी तरीके से जो हेल्पलाइन नंबर था वो भी काम नहीं कर रहा है। और ये भी पहली बार हुआ है कि आज रांची के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। रांची के इमरजेंसी में आप देखिए, एक पत्रकार साथी ने ही अपनी दुख को किस तरह से बयां किया है राज्य की जनता के सामने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने भी मुख्यमंत्री जो सहायता कोष था उसमें डोनेशन दिया था, मैंने भी उसमें अपना दान दिया था, लेकिन आज वो मांग कर रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपने रिलेटिव को लेकर जब रांची के रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ये भी पहली बार हुआ है कि जब महामारी राज्य की 3.5 करोड़ जनता के सर पर है, लोगों की जाने जा रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं संक्रमित मरीजों की संख्या के, उस समय में रिम्स की बैठक की जाती है, और उस बैठक में सीटी स्कैन की मशीन खरीदना, आरटीपीसीआर की जांच को बढ़ाने के लिए 2 और मशीन खरीदना, कैथ लैब बनाना और 2 और लैब टेक्नीशियन के पदों की स्वीकृति देने का काम अब हो रहा है।